स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। आंसर बी 22 मार्च। एक्सप्लेनेशन: विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। साल 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए शरद कमल, बी नीरज चोपड़ा, सी मनिका बत्रा, डी सौरभ चौधरी। आंसर ए शरद कमल। एक्सप्लेनेशन: खेल रत्न पुरस्कार विजेता और दो बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए समर्थ, बी आकाश, सी सखी, डी मदद। आंसर सी सखी। एक्सप्लेनेशन: तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। अगला प्रश्न। पशुपति कुमार पारस के इस्तीफा के बाद खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए स्मृति ईरानी, बी अनुराग ठाकुर, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी किरण रिजिजू। आंसर डी किरण रिजिजू। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। अगला प्रश्न। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? ए पुष्पक, बी सार्थक, सी विक्रम, डी आकाशयान। आंसर ए पुष्पक। एक्सप्लेनेशन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था।